नमस्कार, आप इसी सीधी तस्वीरें हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं, जहां पर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। बताया जा रहा है एक पुत्र ने ही अपने पिता की हत्या कर दी। दरअसल मामला करनाल के नजदीक गांव का बताया जा रहा है, जिसमें आप सभी को जानकारी दे दे कि एक पुत्र ने ही अपने पिता की हत्या कर दी। उनका कई दिन से विवाद चल रहा था। खैर, उसकी पत्नी और पुत्र अकेले रहते थे और जो व्यक्ति मृत पता पाया गया है, बताया जा रहा है कि उनके बीच में ये लड़ाई चल रही थी। घर को सामान को लेकर लड़ाई चल रही थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि पिता शराबी था और वह घर का सामान बेच दिया करता था। और जब उसकी माता और पुत्र इसको अपोज किया करते थे, इस चीज़ को मना किया करते थे, तो उन पर लड़ाई किया करता था, जिसके बाद कल देर शाम को अपने पुत्र ने ही अपने पिता की हत्या कर दी है। भतीजे ने बताया है कि उसका भाई और उसकी चाची काफ़ी दिन से अलग रह रहे थे और कुछ ही दिन पहले ही वो उसके चाचा के पास आए थे, और चाचा के पास आने के बाद उसकी चाची का व्यवहार ठीक नहीं था और उसका भाई और उसकी चाची उसके चाचा के साथ लड़ा करते थे, जिसके बाद कल रात को ये पता चलता है कि पुत्र ने ही पिता की हत्या कर दी है। किस तरह से दिल दहला देने वाला मामला जो है करनाल के नजदीक गांव में सामने आया। आप सभी से अनुरोध है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहेगा। कहीं ना कहीं आसपास के लोगों का तो ये कहना है कि कहीं ना कहीं उसकी बीवी का भी हाथ इसमें जरूर हो सकता है, लेकिन अभी खैर मौके पर जो है SHO वहां पर जरूर पहुंचे हैं, खान छानबीन करते नजर आ रहे हैं। आप सभी को जानकारी दे दें कि मधुबन थाने के SHO तरसेम कंबोज वहां पर पहुंचे हैं, पूरे प्रकरण की उन्होंने जानकारी दी है। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहे हैं, शेयर जरूर करते रहेगा। कहीं ना कहीं कलयुग में इस तरीके का मामला सामने आया है, जिसमें पहली बार आप सभी को जानकारी दे दें कि पुत्र ने ही पिता की हत्या कर दी, और वजह यह बताई जा रही है कि घर के सामान को लेकर कलेश रहता था। घर का सामान जो है पिता बेच दिया करता था, जिसके बाद माता भी बताई जा रही है शामिल हो सकते हैं, लेकिन कार्रवाई जो है पुलिस जरूर करते नजर आ रही है। इसकी जानकारी जो है मधुबन थाना के SHO तरसेम गोयल ने दी, और वहीं जो मृतक है उसके भतीजों की शिकायत पर मामला दर्ज भी कर लेगा और आगामी कार्रवाई। यही सुनते हैं क्या कुछ कहने तरसेम कंबोज। सूचना मिली थी कि मंगलोरा गांव में एक व्यक्ति को उसके बेटे ने मार दिया है। इस सूचना पे हम मौके पे पहुंचे थे, जो मौके से पहले ही उसकी डेड बॉडी को डेड हाउस भिजवा दिया गया था, और उसमें उसकी पत्नी वहीं मिली थी जिसने अपनी स्टेटमेंट दी। उसकी स्टेटमेंट लेके हमने FIR दर्ज कर दिया। इनका घरेलू विवाद 1.5 साल से चला हुआ था, जो अभी पिछले 1 साल से इसका लड़का और इसकी जो वाइफ थी वो अपने मायके में रह रही थी। अभी 29 मई को ही यहाँ पे आए हैं, और घरेलू विवाद को ही लेके आज उसके लड़के ने उसके सिर में कटर मार के उसकी हत्या कर दी। सूचना मिली थी कि मंगलोरा गांव में एक व्यक्ति को उसके बेटे ने मार दिया है। इस सूचना पे हम मौके पे पहुंचे थे, जो मौके से पहले ही उसकी डेड बॉडी को डेड हाउस भिजवा दिया गया था, और उसमें उसकी पत्नी वहीं मिली थी जिसने अपनी स्टेटमेंट दी। उसकी स्टेटमेंट लेके हमने FIR दर्ज कर दिया। इनका घरेलू विवाद 1.5 साल से चला हुआ था, जो अभी पिछले 1 साल से इसका लड़का और इसकी जो वाइफ थी वो अपने मायके में रह रही थी। अभी 29 मई को ही यहाँ पे आए हैं, और घरेलू विवाद को ही लेके आज उसके लड़के ने उसके सिर में कटर मार के उसकी हत्या कर दी। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।